सो गाइज, आज हमने इतने दिनों के बाद, मतलब 8 मंथ में, पूरी साल तो हमने नहीं लगाई यार, 8 मंथ में हमारा जो यूट्यूब के द्वारा दिया गया क्राइटेरिया है 4000 घंटे का वॉच टाइम एंड 1000+ सब्सक्राइबर हो चुके हमारे, मतलब 1700 1750 सब्सक्राइबर हो गए और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी हो गया है। तो आज मैं इतना खुश हूँ ना, क्या बताऊँ यार मैं तुमको। तुम मेरे भाई हो यार, ये तुमको पता है, सारी दुनिया को पता है, लेकिन यार तुम सब भाई लोगों के लिए मतलब दिल से धन्यवाद यार इतना सपोर्ट करने के लिए। खैर जो भी हो, मैं आज तुम्हारे साथ ये चीज़ें शेयर करने आया हूँ कि भाई मुझे कितनी दिक्कतें आई इन चीज़ों को करने में, जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में, सब कुछ। तो देखो यार, मैं कभी भी इस चीज़ के पीछे नहीं भागा कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, मैंने कभी भी नहीं सोचा। मैं जब भी ये सोचता था ना यार मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक चीज़ आती थी कि यार सब्सक्राइबर तो मैं कहीं से पेड़ भी ले लूँगा, कहीं से प्रमोशन करा के भी ले लूँगा, लेकिन वॉच टाइम कहाँ से लाऊंगा उसके लिए। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ जब याद आती थी, कोई ना कोई टाइम पे जब मैं सोचता था यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो साथ ही साथ मुझे लगता था वॉच टाइम तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो सब्सक्राइबर बढ़ा के क्या करूँगा मैं। तो यार मैंने सिर्फ वॉच टाइम पे फोकस किया, मैंने सब्सक्राइबर्स को नहीं देखा। तो सब्सक्राइबर तुम देख सकते हो, 1750+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे, 1800 होने वाले अभी, और भाई वॉच टाइम हुआ है 4000 घंटे का, समझ रहे हो। तो भाई इसमें कितनी प्रॉब्लम आई वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, बीच बीच में क्या क्या दिक्कतें आई मुझे। तो देखो यार, मैं जब YouTube पे आया तो मैं सोचता था, कभी कभी तो लगता था यार 4000 घंटे मतलब बहुत होते हैं यार, इतना कैसे होगा। मतलब एक एक वीडियो पे मुझे मिलता था 1 घंटे का वॉच टाइम, तो मैं सोचता था यार 4000 घंटे कितना होता भाई, 4000 वीडियो बनाऊंगा क्या 4000 घंटे के लिए। ऐसा कुछ नहीं था मेरा भाई। अब तुम देख सकते हो मैंने 200 के समथिंग वीडियो डाले, लेकिन मेरा जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे भाई यही चीज़ होती है अगर तुम मेहनत करते हो। तो देखो यार, जब मैंने 50 वीडियो डाले थे, 100+ वीडियो मैं डाल चुका था, लेकिन मेरे वीडियोज पे कभी 2-3 घंटे से ज़्यादा का वॉच टाइम जाता नहीं था। तो मैं भाई पूरा कंफ्यूज था कि करूँ तो करूँ क्या। फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, मैंने कहा यार अपना जो कॉन्टेंट होता है इसका थोड़ा कंसेप्ट बदल दिया जाए, कॉन्सेप्ट बोले तो थोड़ा कुछ चेंज किया जाए अपने वीडियोज में। पहले मैं क्या करता था, गेम प्ले वीडियो बनाता था और गेम प्ले वीडियो को अपलोड करके उसे डाल देता, उसमें खूब किल होते थे 10-15+। तो भाई उनमें जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन मुझे आता था, मुझे मिलता था 8-9 घंटे का बस, व्यूज लग जाते थे उन पे 100 के 200 के समथिंग, लेकिन 8-9 घंटे वॉच टाइम आता था। लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करके ये चीज़ करी, मैंने सोचा कि किल्स के वीडियो तो बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, 30-30 किल के भी डाल रहे हैं, और बहुत सारे बंदे ऐसे भी जो 15-20 किल के भी डाल रहे हैं। तो मैंने सोचा यार मेरा कॉमेंट्री थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए मुझे, जिससे कि थोड़ा एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ जाए, बिकॉज कॉमेंट्री में एक ऐसा दम होता है भाई, ऐसी ताकत होती है, अगर तुम अच्छी कॉमेंट्री कर लेते हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी कॉमेंट्री सुनने के लिए कुछ लोग आते हैं, है ना। मुझे कॉमेंट आने लगे यार तुम्हारी कॉमेंट्री बहुत अच्छी लगती है यार, बहुत अच्छी लगती है, कॉमेंट्री करते रहा करो पूरे वीडियो में। तो मैंने सोचा यार जब लोगों को कॉमेंट्री पसंद है तो गेम प्ले को क्या दिखाना लोगों को, गेम प्ले तो लोग बहुत देख लेंगे लेकिन कॉमेंट्री ही दिखानी है। तो मैंने भाई साहब स्टार्ट कर दिया फिर एक एज ए फन कॉमेंट्री करना। पहले मैं फनी कमेंट्री करता था लेकिन इतनी नहीं करता था जितनी आजकल करता हूँ, समझ रहे हो। तो आजकल के लेटेस्ट वीडियो तुमने देखे होंगे तो कमेंट्री तुमको पता ही है कितना हाई लेवल की जा रही है। और आज के वीडियो में थोड़ा फन कम है, बिकॉज आज का थोड़ा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है, तो थोड़ा देख लेना मेरे भाई लोग। तो देखो यार, मैंने जो कॉन्सेप्ट बदला वो ये था कि मैं बीच बीच में मीम्स लगा के और अपनी कॉमेंट्री को भी थोड़ा लोगों को हंसाने लगा। मुझे इस चीज़ से मतलब ही नहीं रहा कि मुझे चिकन डिनर दिखाना है, कुछ चीज़ें दिखानी है। जब चिकन डिनर्स का वीडियो डालता हूँ ना मेरे भाई लोग, तो उस पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन और वॉच टाइम मुझे 20-30 घंटे का मिलता है। लेकिन अगर मैं ऐसी वीडियो डालता हूँ कि कोई वीडियो वो कत्ते मजे के लिए मैं बना रहा हूँ, उसमें चिकन डिनर्स से कोई मतलब नहीं है, गेम प्ले से कोई मतलब नहीं, बस लोग उसे इस तरह से देख रहे हैं कि उन्हें मजा आ रहा है, तो भाई उस वीडियो का वॉच टाइम 50 आवर्स का जाता है, पूरा 50 घंटे का जाता है। अगर वही सेम व्यूज पे, उस पर भी 50 व्यूज आए, उस पर भी 50 नहीं सॉरी उस पर भी 500 व्यूज आए, दूसरी पे भी 500 आए, तो जो चिकन डिनर वाली वीडियो थी उस पर मेरे भाई मुझे वॉच टाइम मिलता था ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 घंटे के बीच का। अगर मैं वीडियो डालता था एज ए फन मतलब मजे के लिए, तो भाई 50 घंटे का वॉच टाइम मिलता था, क्योंकि लोगों को देखने में मजा आता था यार वो चीज़, लोग कमेंट करते थे भाई ऐसा ही वीडियो बनाओ। तो मैंने डिसाइड कर लिया यार चिकन डिनर्स को मारो गोली, क्योंकि चिकन डिनर्स डालने से कोई भी नहीं देखता है, देखता है तो थोड़े बहुत बंदे देखते हैं, बाकी भाई मजे के लिए जो देखते हैं ना भाई बंदे, क्या बताऊं। एक तो मुझे कमेंट्री करने में मजा आता था, एक देखने वालों को। अब मैं बात कर लेता हूं कि अपनी कुछ प्रॉब्लम्स जो मुझे आई। तो देखो यार, मैं सोचता था यार वॉच टाइम मेरा कैसे कंप्लीट होगा, 1000 सब्सक्राइबर कैसे होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ भी थी पता,
कि सब्सक्राइबर तो मैं कहीं से ले लूँगा, मतलब कोई ना कोई मेरा प्रमोशन कर देगा। ऐसा नहीं है मुझे बीच में कोई आया नहीं, देखो यार मुझे 70-70 हज़ार जिनके सब्सक्राइबर थे, 5-5 हज़ार सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे बोला यार अपना प्रमोशन करा दे, हम तेरा प्रमोशन कर देते आज ही तेरे 1,000 सब्सक्राइबर करा देंगे। लेकिन उसी टाइम पे उनने मुझे एक चीज़ और बोली कि भाई अगर तुम्हें 1,000 सब्सक्राइब कराने तो करा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम अभी करा देंगे, पेड थोड़ा पैसा लगेगा। तो मैंने सोचा था यार करवा लेता हूँ, लेकिन तभी उन्होंने एक चीज़ बोली कि भाई बॉस टाइम अगर कंप्लीट करवाना तो उसके अलग से पैसे देने होंगे। तो मैं समझ गया भाई साहब मतलब कोई मतलब ही नहीं है यार, जब सब्सक्राइबर 1,000 हो जाएंगे और बॉस टाइम ही नहीं होगा तो, और बॉस टाइम के पैसे अलग से दूँ फिर, मतलब ये कौन सी चीज़ है यार, कौन सी दुनिया। तो इस चीज़ से यूट्यूब को कहीं ना कहीं लगता है कि भाई तुम्हारा एल्गोरिथम सिस्टम अगर इस चीज़ को पहचान जाता है कि तुमने ऐसे सब्सक्राइबर लिए और ऐसे ही वॉच टाइम बढ़ाया तो तुम्हारा मोनेटाइज होता ही नहीं है। खैर तुम्हारे भाई ने अभी मोनेटाइजेशन के लिए भेजता है, इतना मैं तुमको बता दूँ, भेजा है मतलब चैनल को। तो देखो यार मुझे जब ये चीज़ पता चली ना वॉच टाइम अलग से, तो मैं समझ गया भाई सब्सक्राइबर्स से जरूरी है कि अपना वॉच टाइम। तो मैंने फोकस किया वॉच टाइम पे, सब्सक्राइबर्स को मैंने भूल गया, मैंने कहा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो बढ़ लेंगे धीरे धीरे, लेकिन वॉच टाइम तो पूरा लूँ। उसके लिए मैंने कंटेंट बदला थोड़ा, तुमने देखा होगा फनी कंटेंट बनाने लगा तो उस पे वॉच टाइम अच्छा आने लगा। तो सिर्फ 2 मंथ में, मतलब आज से 2 महीने पहले मेरा वॉच टाइम था मतलब 2,000 घंटे का, लेकिन सिर्फ 2 महीने में मेरा 2,000 इंक्रीज हो गया। पिछले जो छः महीने का था वो सिर्फ 2,000 का था, लेकिन लास्ट अब 2 महीने का पूरा 2,000 का, तुम देख सकते हो कितना ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि वही वीडियो में डालता गया और ऐसा ही कुछ हो गया, कुछ नहीं भाई, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल डाला। चिकन डिनर्स पहले मैं डालता था, कम किल्स वाले गेम प्ले नहीं डालता था, मैं सिर्फ एज ए फन गेम प्ले डालने लगा हूं। तो भाई क्या ही बताऊं, मतलब अच्छे से वॉचिंग लगने लगी है और लोग देखना भी पसंद करते हैं ऐसी चीज़ों को, क्योंकि ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट हो गया ना, यूनिक मतलब कॉन्टेंट हो गया ना, कि मेरा कॉमेंट्री और एज ए फन मैं तुमको दिखा रहा हूँ तो एक यूनिक हो गया। क्योंकि वो चीज़ें यूट्यूब पे भर भर के पड़ी है कि भाई इतने किल और मैं कोई बोल ही नहीं रहा, गूंगा बैल की तरह कोई बैठा हुआ है, बस किल होए जा रहे, कोई मारे जा रहा है। तो मैंने सोचा यार इन चीज़ों से डालने से अच्छा है कि थोड़ा कमेंट्री मेरा अच्छा है, तो मैं कमेंट्री पे और अच्छा करके, हालांकि मेरे पास माइक नहीं है बट बिना माइक के भी अच्छा कर लेता हूं कमेंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यार मतलब बीच में मुझे कुछ चीज़ें दिक्कत ये भी आई कि जब मेरा मतलब 6-6 महीने तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता था, कोई भी सब्सक्राइबर नहीं, वॉच टाइम ही नहीं होता था, कुछ इंक्रीज ही नहीं होता था, 2,000 हुआ था। तो मैं सोचता था यार पूरा साल लग जाएगा, अब मैंने एक चीज़ थी मुझे करना यूट्यूब पे कुछ ना कुछ है, तो लगने तो पूरा साल। लेकिन उसके बाद जैसे ही एकदम से वीडियोज पे वॉचिंग लगने लगी तो भाई वॉच टाइम इस चीज़ से ज़्यादा मिला मुझे कि भाई लोग उस वीडियो को ज़्यादा देखने लगे जो वीडियो एज ए फन बनाई जा रही है। तो मैंने फन के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड एक चीज़ और, मुझे बीच में ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट करने वाला कोई मिला नहीं भाई, बहुत मिले, मतलब लोगों ने ये तक कह दिया कि मतलब अपना जिंदगी को ये कहाँ लेके जाएगा, मतलब क्या, मतलब तू करेगा क्या इस क्षेत्र में, तेरा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तक कि डिमोटिवेट किया गया मुझे, इतना तक बोला गया कि भाई ये चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, समझ रहे हो तुम। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ पता थी कि एक दिन मेरा कॉन्टेंट देखा जाएगा, बिकॉज मुझे भरोसा था यार मैं जो वीडियोज़ डाल रहा हूँ पहले के नहीं, अभी जो 2 महीने से मैंने वीडियो डाले उनमें एज ए फन जब मैंने डाला तो एक यूनिक कॉन्टेंट हो गया, तो लोगों को ये बहुत पसंद आया, जैसे कि लोग आज भी देखते हैं सिर्फ फन के लिए मेरे गेम प्ले देखे जाते हैं, कॉमेंट्री एंड फनी गेम प्ले। फनी गेम प्ले अपने होते ही, ऐसा नहीं है कि चिकन डिनर्स में नहीं डालता, डालता हूँ लेकिन इतने नहीं डालता जितना फन के लिए कोई वीडियो डालता हूँ। तो देखो यार तुम्हारे भाई के अब थोड़े बहुत दिनों में मतलब थोड़े बहुत और सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम स्टार्ट कर देंगे अपना मतलब क्या बोलते हैं लाइव स्ट्रीम, जिसपे कि कतई फुल कॉमेंट्री फन के लिए खेलेंगे हम लोग, चिकन डिनर्स भी निकालेंगे लेकिन एज ए फन ज़्यादा खेलेंगे, तो उसको देखना बहुत पसंद करते हैं लोग। तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट होता है भाई, इसको मैंने ट्राई किया तो मेरा भाई क्या ही बताऊं, 4,000 घंटे का वॉच टाइम ऐसे कंप्लीट हो गया बहुत स्पीड से। तो गाइज एंड में मैं तुमको यही कहना चाहूंगा, अगर तुमको कोई डीमोटिवेट करता है तो भाई डीमोटिवेट मत होना मेरे भाई, मतलब इन चीज़ों को निकाल देना कि 4,000 घंटा कैसे होगा, और सब्सक्राइबर तू बढ़ा लेगा तो कुछ नहीं होगा भाई तेरा। बहुत लोग सोचते होंगे यार सब्सक्राइबर कैसे बढ़े यार, सब्सक्राइबर को भूल जाओ, पहले वॉच टाइम पे ध्यान दो। उसके लिए वॉच टाइम के लिए तुम्हें क्या चीज़ देना होगा, क्वालिटी देनी होगी कॉन्टेंट में और लोगों को एंटरटेनमेंट करना होगा। जब भी कोई यूट्यूब देखने आता है तो वो ये सोच के नहीं आता कि वो बहुत तगड़ी चीज़ देख के जाए कोई, उसको बस यूट्यूब पर कोई ऐसी चीज़ दिख गई जिसे देख के उन्हें मज़ा आया, समझ रहे हो, उसे देख के अगर उसे मज़ा आया तो डेफिनेटली वो तुम्हारा चैनल भी सब्सक्राइब करेगा और डेफिनेटली तुम्हारे चैनल को वो वॉच भी करेगा एंड टाइम तक। अब मेरे सब्सक्राइबर है तुमको पता है तुम भाई लोग क्यों देखते हो, कि यार तुमको कहीं ना कहीं कॉमेंट्री से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ है जो तुम्हें अच्छी लगती है, जिसके कारण सब लोग देखते हैं। अब ऐसा मत समझ लेना हम तो कल से देखेंगे ही नहीं, इसको पता नहीं कौन सा घमंड हो गया अच्छी समझने लगा अपने आपके वीडियो को, ऐसा नहीं है भाई। मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि तुम अगर एक यूट्यूबर हो तो तुम मेरे भाई ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, कि एक ही सेम कॉन्टेंट तुम डाल रहे हो जिसपे तुम्हारा वॉच टाइम बढ़ ही नहीं रहा है, तो थोड़ा अलग तुम ट्राई करके देख सकते हो, जैसे कि मैंने ट्राई किया था, मैंने अपना कॉन्टेंट ही बदल डाला।
पहले मैं चिकन डिनर्स के साथ कमेंट्री करता था, अब मैं चिकन डिनर्स के बिना भी कमेंट्री करता हूँ, तो थोड़ा फन के लिए कमेंट्री करता हूँ, तो उसे देख के लोगों को बहुत मज़ा आता है, तो मैं यही डालता गया और भाई मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। तो यार एंड में बस इतना ही बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच यार, जो तुमने इतना सपोर्ट देखा है तुम्हारा भाई आज बहुत खुश है यार, मतलब ये वीडियो बनाते हुए मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना, क्या बताऊँ, क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट के कारण आज तुम्हारा भाई यहाँ पहुँच पाया। तो देखो यार भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहना तुम्हारे भाई को, तुम्हारा भाई मतलब तुम्हारे लिए ऐसे ही वीडियो जो तुम्हें मोटिवेट कर दे लाता रहता है, और गेम प्ले वीडियो तो एज ए फन मैं तुमको दिखाता ही रहूँगा। तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई लोग चैनल को, जिसने भी नहीं कर रखा, और जिसने कर रखा उसके लिए ऑलरेडी थैंक यू सो मच, गए और जिसने नहीं कर रखा उसके लिए भी थैंक यू सो मच, लेकिन यार कर ले तू भी सब्सक्राइब भाई मेरे।